गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग एंड आज करवा चौथ बज गए हैं सुबह के 9 और काम तो सारा हो गया। बस अभी मैं नहाने जा रही हूँ। चूड़ी वगैरह मैंने रात में डाली थी, आज डालूँगी 12 बजे के बाद। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं साड़ी पहनूँगी क्योंकि मेरी ड्रेस तो आई नहीं है, तो मैं क्या पहनूँगी, तो मैंने वो निकाल ली है। ये भी साड़ी ये मैंने सिर्फ एक बार पहनी थी थोड़ी देर के लिए, और ये मेरी चूड़ियाँ इसके साथ की। बट क्या है ना, मेरा मूड आज थोड़ा ठीक नहीं है। साड़ी पहनना अकेले मुझसे पहनी भी नहीं जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ सूट डाल लेती हूँ। बस दिमाग इतना ख़राब है ना बस, तो अभी मैं सोच रही हूँ नहा के आ जाती हूँ सूट डाल के। हेयर वॉश भी करना है, मैंने रात तेल लगाया था, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। फिर अच्छा आपको मेहंदी दिखा देती हूँ कैसी लगी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये है वो सूट, ये मम्मी ने उस पर दिया था जो मैं उस दिन कीर्तन में भी पहनना था ना, मम्मी ने सिंदारे पे दिया था। कैमरा ब्लॉग अब सही है। मम्मी ने ये सिंदारे पे दिया था और गुल ने ये सिलवाया था, जो मैंने ब्लॉग में बनाया था कि मैं सिलने दे के आई थी, तो मैंने यही पहन लिया। क्योंकि यार गुल तो अब चला गया, उसका एग्ज़ाम है अब, पता नहीं 12 बजे से होगा, 1 बजे से होगा, 1 घंटे का आया, फिर वो शाम तक आएगा, फिर मैं क्या ही रेडी हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा साड़ी वाड़ी पहनने का भी। ड्रेस मेरी आई नहीं है जो मैं पहनती, फिर साड़ी भी क्या, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब गुल ना हो तो मैं तैयार क्यों, शाम तक आएगा, शाम तक मेरा भूत बन जाएगा तैयार होकर भी, इसलिए मैंने यही पहन लिया। बस मैं इसमें रेडी हो जाऊँगी, मेकअप शेकअप कर लूँगी और पता नहीं कुछ नहीं गाइस, थोड़ी देर में बात करती हूँ। मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं अपनी जो मुझे पहननी है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सी पहनूँ, ये पायल और ये वाली। ये ना मेरी शादी की हैं, तब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं अपने घर से पहन के आई थी, तो मैंने फिर आके यहाँ पे चेंज करके फिर वापस गई थी, तो इधर से इधर वाली पहन के गई थी जो इधर यहाँ पे थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ यही पहन लूँगी, नहीं तो आई नहीं मेरी, तो फिर चेंज करके फिर से अपनी पुरानी डाल लूँगी, है ना। अभी तो उसे तैयार होना ही नहीं है, अभी तो 10 बजे हैं देखो टाइम भी, और लाइट आ गई है, मुझे कपड़े भी धुलने हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म है और भी कपड़े हैं हमारे, तो मैं वो धुल लूँगी तब तक, क्योंकि 11-12 बजे के आसपास ये फास्ट खुलेगा, मेकअप भी तभी कर लूँगी। अभी मैंने कुछ कराया नहीं क्योंकि चूड़ी भी नहीं पहननी 12 बजे से पहले, ऐसा कुछ आज कुछ बता रहे हैं कि हाँ वेडनेसडे को पहनते नहीं है, तो बोला है कि 12 बजे के बाद पहननी है, तो तब तक मैं सोच रही हूँ मैं कपड़े धुल लेती हूँ एक काम, फिर आकर रेडी शेडी हो जाऊँगी, तो चलते हैं। इस बार तो मेरी मेहंदी का रंग काफ़ी अच्छा आया है, पता नहीं जब से शादी हुई थी ना हर बार मैं मेहंदी लगवाती थी, या तो वो मेहंदी अलग होती थी या फिर कलर नहीं आता था, मेरे को बहुत मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया यार, मेरी मेहंदी तो बहुत दाग बचती थी, और वही कलर अब मेरा अब आया जो शादी से पहले आता था ना, इस बार आया। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मेकअप भी कर लिया, रेडी रेडी चिक्स चिक्स गाइस। बस ये मेरा सूट, ये मैं चूड़ी भी पहन ली, अभी मैंने वो नहीं पहने पर चुट्टी और वो पायल, अभी मैं वो पहनूंगी, तो अभी मैं पहन लूँगी पायल वगैरह, चूड़ा तो मैंने पहन लिया। और ये मैंने आपको दिखाई दी थी कैसी है ना, मैं फटाफट इनको पहन लेती हूँ, पहन ली, दिखाऊँ दिख जाएगी इसमें, अभी मैं वो भी पहन लूँ यार, ये तो पर मेरे से निकलेंगी नहीं पैरों की, तो यार मेरे से नहीं निकलेगी पैरों की, ये देखो कौन निकालता है, मैं तो बस ये पहन लेती हूँ अभी, और जब कंपलसरी होगा ना निकालना, या तो सास मोम निकालेंगी या तो गुल्लू, गुल्लू अभी है नहीं,
बताएगा जब निकाल लेगा। अरे मैंने निकाल भी ली थी साड़ी, बस मेरा मूड बदल गया। मार में डाल के बैठ गई, मैं को सूट ही पहन रही थी सासू की गैल। और क्या, सासू की गैल सूट ही पहन रही बहू भी। अरे तो अलग सी लगती, कहां नहीं पुराने हो गए हम तो। एक साल में पुराने हो लिए हम तो, 27-28 साल हो लिए। ये ना अब तो मंगा होगा, ये लग गया इसमें, रखा इसमें, रखा रेड सी में, बेकार हो जाओ, ये टूट रही ब्लैक ब्लैक ऐसा होगा तो फुल रहने दे, तो चल मत लगावे। अब और पता कमी सभी कुछ ना, मैं लगा दूंगी पर के यूं ही तो इसका होगा, यूं ही तो है, इसे तो कह रही है बुरुस लगा दे इसके अंदर है। हाँ इसे तो लगा दूंगी, इसे लगा दे, ज्यादा ना लगे पर कम कम लगेगा, तो अलग से काट दे बिल्कुल। बताए तुम्हें से हो रही बोरे हो रही बिना इसके हो रही थी। हां सच में मैं तो पानी बिना लगा के बेटा आधी लगाई है। सो गाइस हम अपने एक ताई जी का वेट करते हुए बहुत भाव खा रही है। अच्छा अच्छा है नहीं सही है। और अभी क्या टाइम हो रहा, 1:42 हाँ 2 बजने वाले, बताओ भाई। चलो जुद्दी तो करवा चौथ पे करती रही चलो चलो तो पीछे को जाके तई कर रही ऐसी मुंह कर लियो हाँ हाँ मैं समझ गई मैं भी हाँ सही। बढ़िया तुझी तेरा भगवान तेरी बहुत भरा है। हाँ तेरी बहुत भरा है तेरे पति की लंबी लंबी उम्र हो। हाँ तेरे पति की लंबी उम्र हो, तेरी पेपर देने जा रहा तू पत्ता पेपर। हाँ पेपर है उसका, सब सुन लेगा भी लोग। बस जब चलने की ना बस झगी ले खा लोगी नहीं हम बना रहे हैं आलू गोभी और हलवा और कढ़ी चावल। घी भी बना ले थोड़ा सा, थोड़ा सा बना ले थोड़ा सा भी बहुत ना, एक और ये रखो दो, तीन सब्जी बनाते हां दो होगी ना दूसरी कौन सी, कढ़िया होगी कढ़िया होते पैकेट है उधर सब्जी ज्यादा है। हां पूजेगी ना कढ़िया और पूजने को तीन ना बनाते हैं। कल को बनवा ली घी बहुत स्वाद बना हूं कल को बोल गया बढ़िया लगा। अच्छा अब चावल बनाऊंगी, सब्जी भी बना दी और हलवा भी बना दिया, चावल अभी बन रहे, चावल अभी बन रहे हैं, आटा कर दिया, बस पूरी बनानी है। और गुलाब सुबह से बाहर है, सुबह उसका एग्ज़ाम था 11 बजे, वो घर से गया 2:30 बजे से उसका एग्ज़ाम हुआ, 3:30 4:30 वो घर आया, अब वो फिर से चला गया, अब वो ट्रैक्टर लेने गया, आज पूरा दिन वो घर से बाहर है। अब आप समझते कब तक मैंने कपड़े क्यों नहीं पहने, साड़ी वाड़ी
ड्रेस तो मेरी आई नहीं, मूड मेरा वैसे ही ख़राब था कल से, और मैं साड़ी पहनने वाली थी वो फिर मेरा मन नहीं करा। जब उसे पूरे दिन घर से बाहर ही रहना है तो फिर क्यों ही पहननी है ना, मैं नहीं पहनी। अब रात होने वाली है, बस अब वो रात तक ही आएगा, आठ नौ आठ बजे तक, जब तक फास्ट खुलेंगे। पता नहीं क्यों इस करवा चौथ पर वो वाली एक्साइटमेंट नहीं है जो पहले थी, कुछ तो पापा याद आ रही है, कुछ गुल्लू की हरकतें। वो सूट दिखाऊंगी जो मैं सास मम्मी के लिए पूजने वाली हूँ, उन्होंने वैसे दूसरा चॉइस करा था, अभी वो कह रही हैं कि वो नहीं, उससे दूसरा उनके पास येलो है, पहले उन्होंने येलो चूज़ करा था, तो मैं अभी दिखाती हूँ कौन सा है। लेट्स गो। ये है वो सूट, इसको मैंने हैंग रख दिया, और एक ये बिंदी, और ये है बिच्छू जो मैं पूजने वाली हूँ, ये सारी वो चीज़ है, इसे भी इसके अंदर रख देते हैं। ओके एंड गाइस आवर फोटो, और टाइम देखो हो गया है 5:25, तो अब करते हैं काम शुरू। थाली तैयार करती सासू मम्मी की एंड माई, चलो टाइम हुआ है 8 बज गए हैं, अभी तक तो चांद निकला नहीं, गुल्लू भी नहीं आया। चांद निकल गया है शायद, 8:15 का टाइम था ना, निकल गया होगा। गुल अभी तक आया ही नहीं, पर हम तैयारी कर रहे हैं अपनी थाली की। हो गई है थाली रेडी, बस गुल के आने का वेट है। आज तो गुलबाव खा रहा गाइस बहुत ज़्यादा, मम्मी ऊपर चांद देखने गई। हाँ वो था You said